प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम आलोक, कैसे हो? बढ़िया है गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। अच्छा, आशीर्वाद मेरे पास तो है नहीं है, तुम्हारे पास कहाँ से आ जा रहा है? आ रहा है गुरुजी, क्योंकि इतनी प्रगति हो रही है साधना में आपकी कृपा से, वो सब आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है गुरुजी। अरे नहीं, मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है, सब भैरवनाथ जी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। लेकिन मैं तो आपके को भैरव बाबा मानता हूँ गुरुदेव, मेरे नजर में तो आपकी, और मैं अपने आज उसी अनुभव के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ गुरुजी, बताना चाहूंगा। बताओ जी। शुरुआत मैं आपको बताना चाहूंगा दीक्षा से। जब मेरी दीक्षा हुई थी गुरुजी, तो दीक्षा के पहले भी जब मैं आपसे मिला था गुरुजी, काफी पहले एक शिविर हुआ था। मतलब तुम्हारा, मैं मुझे पता है लगभग ये 10 साल से तुम जुड़े हो, तो लगभग 10 साल तुम्हें ये हो गया जुड़े हुए, तो उस समय 10 साल पुराना मुझे तुम्हें ध्यान है कि वो जो धर्मशाला थी उसमें तुम आए थे और बिल्कुल झुके हुए, और टूटी फूटी धर्मशाला थी वो, तुम जानते हो कौन सी, यादव धर्मशाला थी ना वो। जी जी। उस समय हम लोग को पसंद नहीं आई थी, तुम लोग ने उसको फिर बाद में बदला था रुद्राक्ष ने जाके। जी 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 जी, वो याद है। तो वहाँ से उसके बाद से भी आपने काफी सारी परीक्षाएं ली थी मेरी। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मैंने आपको ही अपने हृदय में पहली बार ही देखते हुए मैंने आपको हृदय में धारण कर लिया था। एक दिन था, ऐसे ही देख रहा था फेसबुक, और बस उसी समय जब मैंने आपको देखा था ना, तो एकदम आपकी छवि मेरे हृदय में उतर गई। लगातार मैं देखता ही रहा और मैं स्क्रॉल कर ही नहीं पाया नीचे। तो उसके बाद वही मैंने जब आपसे अनुरोध किया था दीक्षा के लिए, तो आपने कहा था कि मैं ऐसे तो दीक्षा नहीं देता हूँ, मैं परीक्षा लूंगा पहले, उसके बाद दीक्षा दूंगा। तो आपने काफी दिन तक जो है परीक्षाएं मेरी ली, और आपकी कृपा से मैं उन सभी परीक्षाओं को जो है पास करता हुआ आगे बढ़ा। कठिनाइयां बहुत आई सामने, लेकिन आपके प्रति इतना अगाध प्रेम मेरे हृदय में था कि बस ऐसे बैठा रहता और बैठे बैठे जो है गुरु जी आंसू बहने लगते हैं, एकदम भाव विभोर हो जाता था। और उस समय इतनी तड़प महसूस होती थी, किससे सुनाऊं अपनी व्यथा, समझ में नहीं आता था, और मन करता था जोर से चिल्लाऊं, जोर जोर से रोऊं, और ऐसे ही होता था गुरु जी। कई कई बार जो है ऐसे जो है रोते रोते जो है पड़ता था, और ये पढ़ते ही पता नहीं कब मैं, मेरी आंखें बंद हो जाती थी, कब मैं उठता था वो उसका समय भी नहीं मुझे ज्ञात है। और उसके बाद एक दिन जब मुझे आपने अचानक से बताया कि आलोक चले सवाल, तो मुझे ये भी नहीं ज्ञात था कि मुझे दीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है। आपने बुलाया, और जब मैं आपके पास आया तब आपने बताया गुरु पूर्णिमा में कि आपकी दीक्षा होनी है, और वो जो खुशी मुझे हो रही थी उसमें गुरु जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कितनी अपार खुशी थी। मतलब आपने मुझे समझा दीक्षा के लायक नहीं आलोक, उसमें ऐसा है ना, देखो पहले मैं दीक्षा देता था तो सब गधे आ जाते थे, है ना। जी जी। और परीक्षा में नहीं लेता था पहले, लेकिन ये था कि हृदय से करुणा रहती थी कि सबको साधना में आगे ले जाऊं, है ना, कम से कम जिस माइलस्टोन तक आया वहां तक तो ले ही जाऊं, है ना, बाकी सारे की अपनी यात्रा है। एकदम तो सब गधे मतलब परस्त आते थे, गुरु को बेवकूफ समझने वाले, गुरु भाइयों को बेवकूफ समझने वाले, आपस में लड़ने मरने वाले, तो उस तरह के लोग आते थे, है ना। उसमें जैसे छन के तुम अलग हो गए, अर्पित छन के अलग हो गया, है ना, तो ऐसे लोग जो फिल्टर होते चले गए, जिनको गुरु के एक एक शब्द के आदेश का अर्थ पता है, है ना, जिसको अपनी चीजों की वरीयता नहीं है, जिसको अपने गुरु के वचनों की वरीयता है। वैसे साधक अगर हो तो ही साधक की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब गुरु कुछ कह रहा है, चेला लगा वो अपना दूसरे जगह हल लगाने में, फिर गुरु समझा रहा है, गुरु सामने हाँ हाँ 2 मिनट बाद, फिर ना ना,
तो ऐसे विचलित मन वाले साधकों को मैं पहले बहुत देखता था, है ना, तो इस वजह से मैंने दीक्षा बंद कर दी थी और मैं देखता ही नहीं था जी। और बाद में फिर जब मैंने बंद कर दिया, सब आना जाना बंद हो गया, तुम लोगों के प्रेशर से मैंने फिर दीक्षा देना शुरू करा जी। अब उसके बाद मैंने उसी तरीके से भाई जैसा मैं भीतर हूँ वैसा ही रहूंगा ना, अब मैंने दिल खोल के हृदय पे सबको सर पे बिठाया जी जी। अब प्रॉब्लम फिर वही शुरू हो गई, जिसको मैं सर पे बैठाऊं वो फिर सर पे मुंह लगे जी जी, है ना। तो ठीक है मेरे पे तो कर लो, लेकिन गुरु भाइयों से आपस में फिर वही द्वेष, है ना, विद्रोह होना, फिर गुरु विद्रोह हो जाना, गुरु की बात ना मानना, तो फिर वही स्थिति आ जाती जैसे पुरानी थी जी। तो फिर मैंने यही सोचा बाद में कि मैं दीक्षा देना जल्दी बंद कर दूंगा और जितने सिर्फ सेलेक्टेड जो लोग होंगे, जितने अब तक मैंने दीक्षित कर रहे होंगे उसमें से चुन लूंगा मैं, है ना, जो समर्पित होंगे, जो साधना के प्रति आग रखते होंगे, उनको ही मैं धीरे धीरे करके आगे ले जाऊंगा। डोनेशन की व्यवस्था देख रहे हैं, अगर आश्रम अपने पास हो जाता है भले ही छोटा ही, तो उसमें फिर साधकों को मैं बंद कर दूंगा, चाहे 21 दिन के लिए 41 दिन के लिए बंद कर दूंगा पूरी तरीके से जेल में। फिर मेरी तरह जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही स्ट्रिक्टनेस से, और जैसे मैं अपने साधकों के साथ रहता हूँ वैसे ही उनके साथ रहूंगा, ताकि वो 21 दिन में 41 दिन में तप के बाहर निकले। उनकी अपनी इच्छा है नहीं, वो अपने तरीके से जैसे वो साधना करना चाहते हैं, अपने तरीके से शक्तियां अर्जित करना चाहते हैं, वैसा नहीं, उनकी नहीं चलेगी। क्योंकि कल ही मैं किसी को बता रहा था कि अगर आपको साधना में भटकाव हो रहा है, साधना भटक रहे हैं, इधर उधर कई गुरु बना चुके हैं, है ना, तो अभी भी असंतुष्टि है, तो इसका मतलब आपकी साधना विधि पे पकड़ गलत है, आपकी जो प्राप्त होना है साधना के बाद उस पर पकड़ होनी चाहिए, ना कि विधि पे। जी, जी। अग्नि आपकी उस तरफ होनी चाहिए जो आपको चाहिए, यानी भीतर सत्य का प्रकाश चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, है ना। और वो ऐसा नहीं कि भोग से नहीं पहुंच सकता, योग से नहीं पहुंच सकता, वो हर मार्ग वहीं ले जाता है जी, जी। है ना, आप ये अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप सांसारिक रह के कार्य कर रहे हैं, लेकिन साधना आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो संसार भीतर से छूटता है, बाहर थोड़ा छूटता है, पकड़ आपकी आध्यात्म होनी चाहिए, मुक्ति पे होनी चाहिए, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो तो रिजल्ट में आता ही आता है जी जी, है ना। तो अगर ये आश्रम की व्यवस्था हो जाती है तो हम लोग इसमें फिर उस तरीके से करेंगे कि साधकों को बाहर से काट दिया जाएगा, ना मोबाइल रहेगा, ना लाइट रहेगी, ना किताब रहेगी, ना वाणी रहेगी, ना दृश्य रहेगा, सिर्फ वो जी, उनका गुरु और उनकी साधना, तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट आएगा। और ये बेकार के लोग जो परेशान करने के लिए आ जाते हैं जबरदस्ती, उनको तो फिल्टर कर ही दिया है ना, बेकार के लोगों को तो मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी से, सिर्फ जो है मेरा उद्देश्य है कि अब साधक कैटेगरी आए बस, बेकार की भीड़ बढ़ाने वाले नहीं जी जी। अब उसमें जो आर्थिक रूप से सहयोग कर सकता है आर्थिक रूप से करे, जो शारीरिक रूप से कर सकता है शारीरिक से करे जी, है ना, वही मानसिक रूप से हर तरीके से सहयोग चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जो इनर सर्किल है मेरा उसमें मैं सिर्फ जो है साधकों को बुलाऊंगा अपने पास जी जी। बाहर बाहर से जो जैसे अपने संपर्क में रहना चाहता है, जैसे पुराने साधक है मेरे जुड़े हुए वैसे वो रह सकते हैं जी, तो इनर सर्किल में जो मेरा है उसमें सिर्फ साधक ही रहेगा, आउटर सर्किल में कैसे भी जो किसी प्रकार से मदद करना चाहे कर सकता है जी। हाँ क्या करे, क्षमा चाहता हूँ मैं ज्यादा बोल दिया। हाँ कोई बात नहीं गुरुजी, आप जो भी बोलते हैं वो सब कहीं ना कहीं मेरे हित में होता है और सभी के हित में होगा वो। तो गुरुजी जब मेरी दीक्षा हो रही थी तो पहली बार गुरुजी मैंने जब आपका वो स्वरूप देखा था, मुझे साक्षात आप मुझे बाबा भैरव की तरह देखे थे एकदम, वो इतना विराट इतना विकराल स्वरूप, तो मैं बस मेरे मुंह से उस समय कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था और मैं बस पड़ा था आपके चरणों में। मुझे खुद ही कुछ विशेष स्मरण नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी उस समय एकदम अवाक रह गया था मैं उस समय जब मेरी दीक्षा हो रही थी देख के। और गुरु जी दीक्षा होने के बाद से मेरे जीवन में इतने ज्यादा परिवर्तन आए, बहुत सारी कठिनाइयां भी आई क्योंकि दीक्षा होने के बाद से और सारी परीक्षाएं शुरू हो गई गुरु जी। और लेकिन बस मेरे भीतर केवल एक ही बात
मैं स्मरण रखता था कि मैं आपका शिष्य हूँ और कोई भी ऐसी सांसारिक जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं मुझे रोक नहीं सकती हैं और वो समस्याएं मुझे आपसे कभी भी दूर नहीं कर सकती हैं। चाहे समाज के लोगों ने मेरा विरोध किया हो, चाहे अपने लोगों ने ही मेरा विरोध किया हो, उन सब की बातों को जो है मैं कान तक पहुंचने ही नहीं देता। यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया सभी अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री काल भैरव।